वेलकम टू एपिक पौराणिक टेल्स। और आज हम बात करेंगे कि आखिर श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था, आखिर कारण क्या था इसके पीछे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर महाभारत में आपको सबसे बड़ा योद्धा कौन लगता है, कौन सबसे बड़ा योद्धा था महाभारत में सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण को छोड़कर। सो पोस्ट योर कमेंट्स नाउ। तो आइए आगे बढ़ते वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर श्री कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया था अभिमन्यु को। अर्जुन और पांडवों को तो युद्ध के अंत तक श्री कृष्ण ने बचाया और उनकी रक्षा का कवच भी बने रहे, लेकिन अभिमन्यु को नहीं बचाया। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर क्यों नहीं बचाया, जबकि अगर श्री कृष्ण चाहते तो सुदर्शन चक्र को भेजकर चक्रव्यूह से अभिमन्यु को बाहर ला सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया। तो इस संबंध में एक कहानी कथा ये है कि जब जब धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगती है तो भगवान को नियति के अनुसार धरती से अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करना होता है, और इस उद्देश्य हेतु भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं और उनके इस उद्देश्य में सहायता हेतु विभिन्न देवी देवताओं को भी अपने पुत्रों को भेजकर या स्वयं धरती पर जाकर जन्म लेना होता है। ऐसा ही जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया था, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया था। ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया था, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन सभी देवताओं ने मिलकर जब चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य और धर्म है, इसलिए हम सभी को ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करना है, यह हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। सभी देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान तो गए, फिर भी उन्होंने एक शर्त रखी कि यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा तो वो ज्यादा दिनों तक धरती पर नहीं रुकेगा और महाभारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त होते ही वो मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही वो युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को भी चकित कर युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा और उसके इस अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और ऐसा ही हुआ भी, आज भी अभिमन्यु को याद किया जाता है कि वो इतने बड़े महारथियों के बीच में चक्रव्यूह में गए। और मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु थे जिन्होंने धरती पर ब्रह्मा जी के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा की शर्त के अनुसार ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में दखल नहीं दिया और अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त होकर अपने पिता चंद्रमा के पास वापस चले गए। आई होप कि आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करिए। स्टे ट्यून्ड।